सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज जो है रिव्यू करने वाले हैं पल्सर 125 स्प्लिट सीट मॉडल का, जो कि BS6 मॉडल के साथ में लॉन्च कर दी गई है। अभी जो है इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। कुछ दिन पहले भी जो है इसका एक मॉडल आया था, लेकिन वो जो है उसकी कुछ लिमिटेड यूनिट्स ही आई थी एंड वो जो है लिमिटेड शोरूम्स में ही हमें देखने को मिला था। अभी जो है आप इसको हर जगह देख सकते हो, मतलब हर जगह से आप बाय कर सकते हो। चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, हर शोरूम में जो है आपको आने वाले 1 वीक या फिर 2 वीक्स में देखने को मिल जाएगी। सो वहाँ से जो है आप इसको बाय कर सकते हो। सो चलिए गाइस, बात करते हैं इसी बाइक के बारे में। एंड आज जो है गाइस इसका एक इंटीरियर शूट है, मतलब इंटीरियर वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखने को मिलेगी कल या परसों, वो जो है आपको आउटडोर की देखने को मिलेगी एंड वो जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, आप उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। सो चलिए गाइस, बात करते हैं इसी बाइक के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा गाइस चेंजेस के बारे में। सो गाइस, चेंजेस की बात करूँ तो सबसे पहला जो आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे ही आप इस पे नजर डालोगे, सो गाइस आपको जो है यार यहाँ पे सीट का और इसके इंजन कवर का इन्हीं का जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड जैसे ही आप थोड़ा इसके बैक साइड में जाते हो, सो आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट ग्रैब लेयर्स देखने को मिलेंगी, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। यही जो है आपको पल्सर 220, पल्सर 180 वगैरह में देखने को मिलती है। सो ये ग्रैब रेल्स जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छा जो है लुक्स दे देती है। यहाँ पे जो है आपको इंजन कावल दे दिया जाता है, जो कि स्टिकरिंग के साथ में उसके ऊपर जो आपको स्टिकरिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। सो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी गाइस यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा कम्फर्ट आपको दे सकती है। तो गाइस इन सब के अलावा जो है आपको एक और चेंज देखने को मिलेगा, वो है गाइस इसके टैंक के साइड में जो दोनों तरफ जो है लग रहे हैं पैनल्स से। सो गाइस इन पे जो है आपको स्टिकरिंग नहीं देखने को मिलेगी, ये जो है ओनली ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेंगे। यदि इन पे स्टिकरिंग होती सो काफ़ी हद तक जो है बाइक का लुक और अच्छा आपको देखने को मिलता, लेकिन वो यहाँ पे बजाज ने नहीं दी है। लेकिन बजाज जो है यार कभी भी चेंज कर सकता है, बजाज जो है मतलब कभी भी कुछ भी झटका आपको दे सकता है। सो ये जो है छोटे मोटे चेंजेस बजाज करता रहता है, ये जो है इनके एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। सो ये जो है कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। सो मैं तो जो है बजाज को एक ही फीडबैक देना चाहूँगा कि जो ये साइड में पैनल्स, इन पे भी जो है आप स्टिकरिंग यूज करते तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे देखने में लगती बाइक एंड लुक्स जो है और अच्छा निकल के आता। चलिए गाइस, बात करते इसी बाइक के बारे में। अभी बात करता हूँ गाइस इसके इंजन के बारे में। इंजन की बात करूँ आपको, वही जो है 124cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक FI नहीं मिलेगा, कार्बोरेटर मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। सो यहाँ पे जो है गाइस आपको पावर 12 PS की मिल जाएगी, 11 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाएगा, 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाएगा। इन सब के अलावा माइलेज की बात करूँ, सो माइलेज जो है गाइस आपको सिटी में लगभग दे देगी 40 से 45 तक एंड आपको हाईवे पे लगभग 55 तक भी दे देगी। जैसा कि हमने टेस्ट किया था उसमें जो है इसकी माइलेज निकल के आई थी लगभग 55 तक, जो कि हाईवे पे भी किया था और सिटी का भी, दोनों का मिक्स किया था हमने। लगभग हमने 10 से 11 किलोमीटर चलाई थी, सो उसमें जो है इसका माइलेज टेस्ट निकल के आया था लगभग 55 का। सो वो भी काफ़ी अच्छा माइलेज टेस्ट निकला था इसका। सो बाकी चलिए गाइस, बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। ब्रेकिंग सिस्टम आपको सेम देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर में जो है आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। सो अभी मैं बात करता हूँ गाइज इसके लाइट्स के बारे में। फ्रंट में जो है गाइज आपको इसकी हेडलाइट फुली हैलोजन मिल जाती है, जिसमें आपको कुछ पार्किंग लाइट्स भी मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ गाइज आपको हैलोजन इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। गाइज यहाँ पे आपको रियर में जो है टेल लाइट मिल जाती है LED, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये जो है यार एक पहचान सी ही इस बाइक की बन गई है, बिकॉज पल्सर के हर मॉडल में तो नहीं, लेकिन 220F, पल्सर 150, 180 वगैरह इन सब में जो है आपको देखने को मिल जाती है यही सेम टेल लाइट, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगती है। गाइज बात करूँ इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो वही आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जो आपको पहले से देखने को मिलता आ रहा था। सो इसमें जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिल पाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह शो कर देगा, ओडोमीटर वगैरह। सो ये जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स नहीं मिलने वाले। चलिए गाइस बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन की बात करूँ, फ्रंट में जो है गाइस आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है एंड रियर में जो है गाइस आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं। सो बाकी गाइस बात करूँ इसके कलर्स के बारे में। कलर्स गाइस आपको वही पुराने कलर्स मिलेंगे जो आपको पहले मिलते थे नियॉन मॉडल में, एक रेड कलर, मतलब एक रेड एंड ब्लैक एंड एक जो है सिल्वर एंड ब्लैक। सो यही सेम कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दोनों ही कलर्स मैंने आपको दिखाए हैं। सो ये जो है कलर्स आपको देखने को मिल जाते गाइस यहाँ पे। सीट की बात करूँ, आपको यहाँ पे जो है स्प्लिट सीट मिल जाती है, जो कि कम्फर्ट आपको अच्छा खासा दे देगी। एंड गाइस यहाँ पे जो है आपको सीट हाइट मिल जाती है लगभग 790 mm तक की। सो यहाँ पे जो है आप इसको इजीली राइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी किसी को डाउट हो सो आप एक बार टेस्ट राइड ले सकते हो, जो कि आपको किसी भी शोरूम में मिल जाएगी। सो वहाँ पे जो है आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो गाइस फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे जो है आपको इसका 15 लीटर का टैंक मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, मतलब साइज जो है काफ़ी अच्छा है इस बाइक के टैंक का। एंड गाइस यहाँ पे आपको टैंक पैड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको बाइक कलर, मतलब जैसे कलर में आप बाइक लोगे उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये भी। सो बाकी गाइस यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है ग्रैब रेल देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है,
जो कि आपको 180 और 220F वगैरह में देखने को मिलती है। सो वही सेम ग्रैब रेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और इसके लुक को जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देती है। सो गाइज फाइनली जो है बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग की बात करूँ सो गाइज मैं रहता हूँ गुड़गांव में। गुड़गांव का जो इसका प्राइसिंग है वो है लगभग 78,000 के करीब एक्स शोरूम, एंड ऑन रोड जो है ये जाता है लगभग 92,000 तक। सो यदि मैं बात करूँ न्यू दिल्ली की, मतलब दिल्ली का एक्स शोरूम प्राइस, सो वहाँ पे जो है अभी तो उसका एक्स शोरूम प्राइस नहीं निकल गया है, मतलब हमारे तक जो है नहीं पहुँचा है। लेकिन यदि मैं एक एक्सपेक्टेड प्राइस वहाँ का बताऊँ, सो लगभग मान के चलिए कि आपके वहाँ का जो है 82,000 तक एक शोरूम प्राइस होने वाला है। मतलब जो गुड़गांव का जो प्राइस होता है उससे लगभग 3,000 से 4,000 ज़्यादा होता है, जैसा कि मेरे को डीलर ने बताया। सो दिल्ली का जो प्राइस होता है वो लगभग 3,000 से 4,000 ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। सो आप मान के चलिए लगभग 94,000 to 95,000 तक जो है इसका हाइएस्ट ऑन रोड प्राइस जा सकता है दिल्ली में। सो बाकी गाइज आप एक बार दिल्ली में किसी भी शोरूम में विजिट कर सकते हो, आपको वहाँ पे अच्छे से पता चल जाएगा। सो बाकी गाइज कोई भी डाउट्स हो आपके इंस्टा पे डीएम कर देना, MRD व्लॉग्स के मेरी आईडी है, वहाँ पे जो है आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो बाकी गाइस ये था कुछ आज की वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।